यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज मोहनपुरा गांव पहुंचे। सतीश महाना जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के घर पहुंचे। यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना मनोज सिन्हा के पैतृक घर में हो रहे भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान यूपी के मंत्री अनिल राजभर, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, विजय मिश्रा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के पैतृक घर में चल रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि 7 दिवसीय भागवत कथा कार्यक्रम का आज समापन हुआ, जबकि कल प्रसाद भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। वहीं कल कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक समेत कई राजनेता शामिल होंगे। आज कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और अपनी परंपराओं, सामाजिक संस्कारों को लेकर बेहद गंभीर हैं। भाई साहब, वैसे उपस्थिति तो ये कल जैसे केंद्र सरकार के मंत्री परम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी आए थे, आज हमारे श्रद्धेय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी आए थे और ऐसे तमाम जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जिनका आत्मिक संबंध हमारे परिवार से रहा है, सभी की इच्छा है कि पहुंच सके, मगर चूंकि आप जानते हैं सामाजिक दायित्व की वजह से उनको निर्वाण भी करना है, काफी लोगों से संभव नहीं हो पा रहा है ना, मगर हमारा प्रयास जी यही है कि आसपास जिले के जितने भी निकट संबंधी रहे हैं पिछले 40 वर्षों के संबंध में सब उपस्थित हो जाए और ये पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमें ऐसा कार्यक्रम आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी स्वाभाविक है, मतलब जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना पुत्र आशीर्वाद के कोई कार्य संभव नहीं है, और ठाकुर जी हमारे भी मेरे समझ से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 382वां वर्ष है जो लगातार ठाकुर जी का यहाँ पे पूजा सत्कार सम्मान होता रहा है। इन्हीं कारणों से भी हमें ये घर का नवनिर्माण पालन था, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा कोई आयोजन संभव नहीं था और आदरणीय महामहिम जी का सामाजिक दायित्व है, उसके लिए भी बड़ा कठिन था उनका समय लेना। ये हुआ कि हर चीजों को अनुकूल देखते हुए अभी जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए और ये उसी प्रयास में हम सब लगे हैं। सृष्टि का संचालन करते कथाएं हमारे को सत्य के मार्ग पर चलने के प्रेरित करती है, मन के अंतर्गत घृणा द्वेष को दूर करती है, अहंकार को समाप्त करती है, विनम्रता के साथ समाज में हर व्यक्ति को साथ लेकर सेवा करने का संकल्प लेती है। पहले सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने अपने गांव में अपने पैतृकों में ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन के साथ जुड़े रहना बड़ा व्यक्ति बड़ा होता है, आकाश में दिखाई देने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता, लेकिन जमीन में जुड़कर उन्होंने माननीय मनोज सिन्हा जी ने सहयोग किया और शुभकामनाएं और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय। मंत्री जी, आज आपका गाजीपुर जनपद में आगमन हुआ, उपराज्यपाल जी का क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? अच्छा है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृतियां हैं आज स्थापित हो रही हैं। आज उसी क्रम में माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने अपने आवास पर एक बृहद कथा का कार्यक्रम बनाया है। अच्छा है, जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर और गाजीपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आज यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, भेंट मुलाकात, तो भी देव दीपावली के अवसर पर तो बड़ा सुखद है। और पिता जी जो अपने अपने ही विधायक अब्बास अंसारी को ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक नहीं है, सपा के विधायक है, अब इससे बड़ा धूर्तता वाला बयान क्या हो सकता है, है ना? इससे बड़ा मूर्खता का और इससे बड़ा धूर्तता का कोई बयान नहीं हो सकता। जिनके गाड़ी में बैठकर घूमते रहे, जिनको अपना सिंबल देके चुनाव लड़ाए और यहाँ से लेकर बांदा तक यात्रा करते रहे जिनकी गाड़ी में लेकर, ये सब समाज देख रहा है और सम्मानित हमारी मीडिया और उनके माध्यम से तमाम बुद्धिजीवी लोग देख रहे हैं।
लगभग एक सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज बताया जा रहा है, ऐसे में एक विधायक का गनर का कार्बाइन भी लूटी जाती है, हत्या कर दी जाती है, किस तरह से कानून कितना मजबूत है। देखिए, कहीं कोई घटना होती है और उस घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई में कोई और कसर होता हो तो आप बताइए। जितना सख्ती से उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों से निपट रही है, ये सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम कभी कभी लोग दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबा कभी सफल नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश के सभी लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति बढ़ा है, वो आज निरंतर बढ़ रहा है, तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। गाजीपुर की होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जाम। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा, जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजीपुर।